देखिए दोस्तों, मैं हम लोग का जो न्यू चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। देखिए इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, तत्वों का वर्गीकरण और गुणों में आवृत्तिकरण। पीरियोडिसिटी का मतलब कि आपका आवृत्तिकरण, आखिर पीरियोडिसिटी क्या होता है वो बताते हैं हम आपको। फिलहाल आप लोग वंशावली के भी देखें, वंशावली में देखते हुए कि बाप का नाम है, फिर दादा का नाम है दादा है, फिर पिता का नाम है पिता का नाम है, फिर बच्चा का नाम है, फिर उसका बच्चा का बच्चा का नाम है, तीसरा को वंशावली होता है। हाँ वही वंशावली होता है जो आपके जाति वासी में रिक्वायरमेंट होता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज का एक और बुक्स में नाम रहता है पीरियोडिक टेबल, इसी को बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। जो चैप्टर कितना बड़ा नाम है ना, उसी को पीरियोडिक टेबल भी बोलता है किताब। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि पीरियोडिक टेबल होता है क्या है। पीरियोडिक टेबल, देखिए पीरियोडिक टेबल जो आप देखे होंगे आज तक, जो कुछ इस तरह का फॉर्मेट में दिखाई देता है आपको। इसी तरह का फॉर्मेट में दिखेगा आपको हमेशा। अभी देखिए जूम करके, देखिए यहाँ पे ये जो दिख रहा है कुछ कुछ, देखिए आप टेबल देखिए, टेबल टेबल को अगर आप उठा के नीचे रख दिया, मतलब फ्रंट वाला जो ऊपर जो टॉप पेज है तो नीचे कीजिएगा, नीचे वाला आपको ऊपर आ जाएगा, तो नीचे वाला वो उसका हो गया पे। हाँ याद है आपको, तो नीचे वाला जो पेड़ है वो हो गया ऊपर, और जो आपका फ्रंट है वो फ्रंट हो गया ये वाला पोर्शन। अब फ्रंट के ऊपर कुछ रखिए तो वो आपका नीचे गिर गया। देखिए यहाँ पे, यहाँ पे ये आपका इस तरह का पीरियोडिक टेबल का कुछ आकार हमको दिखाई देता है आपका, जो पीरियोडिक टेबल का टेबल रहता है। अब देखिए ये हो गया मेरा राइट हैंड साइड, जैसे बॉडी का पार्ट होता है, एक होता है राइट हैंड साइड लेफ्ट साइड, होता है मिडिल पार्ट, होता है बॉडी का बॉटम पार्ट। ये देखिए मेरा राइट हैंड साइड है ना, तो राइट हैंड साइड में जो ब्लॉक रहता है उसको बोलते हैं पी ब्लॉक। क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक। और लेफ्ट हैंड साइड में जो ब्लॉक रहता है उसको क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक। अब बॉडी के मिडिल पोर्शन को क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक। अब बॉडी के बॉटम पोर्शन को ए ब्लॉक। तो ये क्या आपका ए ब्लॉक। राइट हैंड साइड को कौन सा ब्लॉक बोलिएगा? पी ब्लॉक। लेफ्ट हैंड साइड को एस ब्लॉक। अब मिडिल पोर्शन पीरियोडिक टेबल का डी ब्लॉक। अब बॉटम पोर्शन पीरियोडिक टेबल का एफ ब्लॉक। अब देखिए आखिर सर एस ब्लॉक है तो उसमें एलिमेंट्स कितने हैं? तो एस ब्लॉक के पास टोटल एलिमेंट्स 14 होता है। कितना होता है? 14। अब 14 का डबल कर दीजिए कितना हो गया? 28। तो ए ब्लॉक में टोटल 28 एलिमेंट होते हैं। अब देखिए अब हम लोग पी ब्लॉक पढ़ने जा रहे हैं, तो पी ब्लॉक में टीचर और स्टूडेंट के बीच अक्सर 36 का आंकड़ा होता है, इसलिए पी ब्लॉक में टोटल एलिमेंट 36 होता है। तो यहाँ पर 36 का आंकड़ा है, तो जब डी ब्लॉक पढ़ाने जाते हैं तो हनुमान चालीसा पढ़ के आते हैं, तो डी ब्लॉक में टोटल एलिमेंट 40 होता है, समझे? तो एस ब्लॉक में टोटल एलिमेंट 14, पी ब्लॉक में टोटल एलिमेंट 36, डी ब्लॉक में टोटल एलिमेंट 40, और ए ब्लॉक में टोटल एलिमेंट 28। देखिए आप लोग जब स्कूल लाइफ में पढ़े होंगे तो एक पढ़े होंगे आप सेक्शन, मान ली 10 क्लास है तो 10 क्लास मान ली 50 स्टूडेंट बैठने का, पता चलो उसमें 60 या 70 स्टूडेंट हो गया, 70 स्टूडेंट 20 एक्स्ट्रा हो गया, तो वो क्या करता है कि 10 को सेक्शन होता है, 10 ए बना देता है, एक आपका 10 बी बना देता है, 10 ए और 10 बी बन जाता है सेक्शन, और बच्चा बढ़ जाता है तो 10 सी भी हो जाता है। तो उसी तरह का यहाँ पे ग्रुप होता है, तो ग्रुप देखिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं ग्रुप, आखिर ग्रुप क्या होता है, फिर हम आपको बताएंगे सब ग्रुप क्या होता है। तो ग्रुप देखिए सब ग्रुप, फिर एक साथ में बताएंगे आपको पीरियड क्या होता है। पीरियड देखिए आप ग्रुप, सबसे पहले ग्रुप बताते हैं आपको। देखिए आप खेती देखिए, खेती खेती होते हुए तो वहां पर देखते हुए घोरान होता है, घोरान देखते हैं कि घोरान जब खेती किया था तो लकड़ी का खंबा जो गड़ा जाता है जमीन के नीचे, अब कुछ जब आपका पूरा खेती अब घिर गया पूरा तरीके से, उसके बाद जो बच जाता है वो घोरान पड़ा हुआ रहता है जमीन पे। तो सीधा देखिए ये जो आपका गड़ा हुआ लाइन है, ये जो गड़ा हुआ लाइन है, इसी गड़ा हुआ लाइन क्या बोलते हैं? ग्रुप। क्या बोलते हैं? ग्रुप। इसी गड़ा हुआ लाइन को हम लोग बोलते हैं ग्रुप, यही आपका ग्रुप है, गड़ा हुआ लाइन क्या बोलिएगा? ग्रुप। और जो घोरान पड़ा रह गया जमीन पे, तो जो पड़ा हुआ लाइन है वो हो गया आपका पीरियड, पड़ा हुआ लाइन को क्या बोलिएगा? पीरियड। तो ये जो पड़ा हुआ लाइन है वही हो गया आपका दोस्त पीरियड। यहाँ पर भी गड़ा हुआ लाइन ग्रुप हो गया और पड़ा हुआ लाइन क्या हो गया आपका पीरियड। तो देखिए गड़ा हुआ लाइन को बोलते हैं वर्टिकल लाइन, क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन।
तो वर्टिकल लाइन को ये क्या बोलिएगा? ग्रुप। क्या बोलिएगा? ग्रुप। अब पड़ा हुआ लाइन को बोलते हैं पीरियड। क्या बोलते हैं? पीरियड। तो पड़ा हुआ लाइन बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रो। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल रो चाहे हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलिएगा? पीरियड। और वर्टिकल लाइन को ग्रुप। तो आप बताइए, हाँ ग्रुप तो खत्म हो गया। अब मेरे पास बचा पीरियड। इस तरह के पीरियड कितने? तो ग्रुप टोटल ग्रुप पूरे पीरियोडिक टेबल में टोटल ग्रुप कितने होते हैं? 18। और टोटल पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल में टोटल पीरियड आपको कितना होता है? 7। कितना पीरियड होता है? 7। अब आता है सर सब ग्रुप क्या होता है। तो देखिए ग्रुप को जब आप और डिवाइड कीजिएगा तो आपको सब ग्रुप प्राप्त होगा। समझे? देखिए यहाँ पे सब ग्रुप दो प्रकार के, जैसे मेरे क्लास के दो कंपोनेंट बॉयज एंड गर्ल्स हो सकते हैं, उसी तरह सब ग्रुप के भी दो कंपोनेंट है। एक आपका ए सब ग्रुप हो सकता है, चाहे आपका बी सब ग्रुप हो सकता है। देखिए यहाँ पे इधर देखिए तो हमको आगे दिख गया, तो इसके पास पी ब्लॉक के पास कौन सा सब ग्रुप लीजिएगा? ए सब ग्रुप। यहाँ भी देखिए तो यहाँ पे आगे मिल गया, शुरू में ये हो गया मेरा आगे, तो यहाँ पे कौन सा सब ग्रुप है? ए। ये बीच में है इसलिए आपका बी सब ग्रुप, और ये बॉटम में है तो बी फॉर बॉटम, ये भी आपका बी सब ग्रुप। अभी सुनते जाइए, चीजें धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे, अचानक सब चीजें नहीं लाके डाल सकते, धीरे धीरे सब चीजें फैला रहे हैं। ये देखिए ये पी ब्लॉक में कौन सा सब ग्रुप बीच कीजिएगा? ए। एस ब्लॉक में कौन सा सब ग्रुप बीच कीजिएगा? ए। डी ब्लॉक के लिए बी सब ग्रुप, और ए ब्लॉक के लिए बी सब ग्रुप। और हाँ क्लियर हो गया। आप बताइए राइट हैंड साइड में कौन सा ब्लॉक था? पी ब्लॉक। लेफ्ट हैंड साइड में एस ब्लॉक, और बॉडी के मिडिल पोर्शन में डी ब्लॉक, और बॉटम पोर्शन क्या बोलते हैं? ए ब्लॉक। एस ब्लॉक में हाउ मेनी एलिमेंट्स? 14। अब ए ब्लॉक में 28। ए ब्लॉक में, पी ब्लॉक में टोटल एलिमेंट 36, और डी ब्लॉक में टोटल एलिमेंट 40। अब ग्रुप हमारा दो प्रकार का था, सॉरी सब ग्रुप दो प्रकार का, एक आपका ए सब ग्रुप एक आपका बी सब ग्रुप। तो ए सॉरी बी ब्लॉक के लिए कौन सा ग्रुप यूज कीजिएगा? ए सब ग्रुप। और एस ब्लॉक के लिए ए सब ग्रुप। डी ब्लॉक के लिए बी सब ग्रुप, और ए ब्लॉक के लिए बी सब ग्रुप। अब बताइए टोटल ग्रुप पूरे पीरियोडिक टेबल में कितना मिलेगा आपको? 18, और टोटल पीरियड 7। अब आ रहे हैं पूरा ग्रुप और सब ग्रुप में एंट्री कर रहे हैं, जितना हमने कंटिन्यू किए गए। सर बीपी 2 का मिलेगा क्या? हाँ बी 2 जगह करेगा, एक आपका डी ब्लॉक में मिलेगा, एक आपको ए ब्लॉक में मिलेगा। समझे? देखिए आप लोग तो अपना गिनती तो जानते होंगे, बताइए 1 के बाद क्या होता है? 2। फिर बोलिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और होता जाएगा कुंभ तरह मेरे पास 11, और ये हो गया आपका 12 के बाद हो गया आपका 13, 14, 15, 16, 17, और ये हो गया आपका 18। इसको बोलते हैं अरेबिक न्यूमरल। क्या बोलते हैं? अरेबिक न्यूमरल। अब देखिए ये तो हो गया आपका अरेबिक न्यूमरल, एक होता है रोमन। अब रोमन में देखोगे फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, इस तरह देखिए ना। यहाँ पे ग्रुप 1 है ना, तो ग्रुप 1 के लिए सब ग्रुप क्या यूज करते थे? ए सब ग्रुप। तो 1 को रोमन में बोलते हैं फर्स्ट डे, तो ग्रुप 1 को क्या बोलिएगा? फर्स्ट ए। ग्रुप 2 को क्या बोलिएगा? सेकेंड ए। अब यहाँ से नीचे आ रहे तो योग्य आपका थर्ड, योग्य आपका फोर, नहीं ए नहीं होगा, ये बी सब ग्रुप है ना, तो बी भी होगा। फोर के बाद क्या होता है आपका? फाइव। फिर हो गया 6, 6 के बाद 7, और 7 के बाद क्या होता है? 8। तो 8, 9, 10 के लिए हम सी पोर्शन क्या यूज करेंगे? 8। 11 के लिए हो गया फिर से 1, और 12 के लिए फिर से सेकेंड। थर्ड सेकेंड के बाद क्या हो गया आपका? 3। फिर हो गया आपका 4। फिर हो गया रोमन में 5, और ग्रुप 16 के लिए हो गया आपका 6। ग्रुप 17 के लिए 7, और ग्रुप 18 के लिए कुछ नहीं होता, तो वहां पे क्या लिख देगा? 0। अब देखिए ये बोल रहे हैं ए सब ग्रुप है, तो फर्स्ट सेकेंड लिखिए। अब बोल रहे हैं कि ये हमारा डी ब्लॉक बी सब ग्रुप है, तो ये हो गया आपका थर्ड बी, ये हो गया आपका फोर बी, बोलने से हम कीजिए 5B, फिर 6B, यहाँ पे 7B, 8B नहीं कीजिएगा, 8B नहीं पाया जाता है। समझे? वो ग्रुप 8 ही पाया जाता है। फिर यहाँ पे फर्स्ट है तो क्या बोलिएगा? फर्स्ट बी। फिर हो गया आपका सेकेंड बी। अब फिफ्थ ब्लॉक को लिए बोलते थे हम ए सब ग्रुप यूज करेंगे,
यहाँ पे क्या हो जाएगा थर्ड ए, यहाँ पे फोर ए, योगी आपका फाइव ए, योगी सिक्स ए, योगी आपका सेवन ए, और यहाँ पर एट ए नहीं होता है, उसके लिए क्या लिखिएगा जीरो। यहाँ पर कंफ्यूजन देखिए, यहाँ पे एस गुरु, हाँ ये जो एस ब्लॉक के लिए आप सब ग्रुप यूज कर रहे हो, कौन सा सब ग्रुप यूज कर रहे हो ए, पी ब्लॉक के लिए ए, और हाँ डी ब्लॉक के लिए कौन सा सब ग्रुप यूज कर रहे हो बी, और एफ ब्लॉक के लिए बी सब ग्रुप यूज करोगे। तो फिलहाल हमको यहाँ ये पता चला कि एस ब्लॉक में टोटल ग्रुप कितने हैं दो, पी ब्लॉक में टोटल ग्रुप देखिए एक दो तीन चार पांच छह, तो पी ब्लॉक में टोटल ग्रुप कितना हो गया सिक्स, और डी ब्लॉक में देखिए एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, मतलब डी ब्लॉक में टोटल कितने ग्रुप है टेन ग्रुप। तो फिलहाल आपको जो इलेवन क्लास में पढ़ाना है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक पूरा डिटेल में पढ़ाना, समझे, डी और ए ब्लॉक ट्वेल्थ क्लास में पढ़ाना, लेकिन कुछ डी ब्लॉक और ए ब्लॉक के बारे में भी इलेवन में आपको पढ़ा देंगे। तो चैप्टर ही है आपका एस ब्लॉक पी ब्लॉक डी ब्लॉक ए ब्लॉक, एक चैप्टर ही है, एस ब्लॉक का अलग चैप्टर था, इलेवन में पढ़ना था, पी ब्लॉक इलेवन में पढ़ना था, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हट गया आपका, समझे, डी और ए ब्लॉक को ट्वेल्थ में पढ़ाना पड़ता, ट्वेल्थ में भी एक चैप्टर था पी ब्लॉक, इलेवन में रहता था पी ब्लॉक ट्वेल्थ में भी रहता था, समझे, तो इलेवन वाला बहुत छोटा रहता था, उसको पांच छह दिन में खत्म कर देते, वही ट्वेल्थ उसको पढ़ाने को लगता पच्चीस तीस दिन लगता था खाली पी ब्लॉक के बाद। यहाँ पे देखिए अब हमारे एलिमेंट के पास, हाँ तो आप बताना चल कीजिए टोटल ग्रुप पीरियोडिक टेबल में कितने होते हैं 18, कितने होते हैं 18, और टोटल पीरियड पीरियोडिक टेबल में 7, टोटल ग्रुप 18 बोल रहे हैं, टोटल पीरियड 7 बोल रहे हैं, और टोटल एलिमेंट कितना होता है 180, टोटल एलिमेंट कितना होता है 118, जहां पर एस ब्लॉक में टोटल एलिमेंट कितना था 14, पी ब्लॉक में टोटल एलिमेंट 36, और डी ब्लॉक में टोटल एलिमेंट 40, और एफ ब्लॉक में टोटल एलिमेंट 28। तो देखिए यहाँ पे 8 और 0 0, अरे 8 आया, 8 और 6 कितना हो गया 14, 14 और 4 18, 18 का 8 लेके हाथ में बचा 1, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 3 10, और 1 11, तो आपके पास आ गया 118। एस पी डी एफ इसी का था, हाँ हाँ वो इसी का था, समझे, सबसेल था, तो सबसेल को स्मॉल लेटर में लिखते हैं, ए सबसेल पी सबसेल डी सबसेल एच सबसेल, समझे, और ब्लॉक को कैपिटल लेटर में लिखते हैं, एस ब्लॉक पी ब्लॉक डी ब्लॉक और ये हो गया आपका ए ब्लॉक, डिफरेंस थोड़ा सा है, सबसेल को हमेशा स्मॉल लेटर में लिखते हैं, ब्लॉक को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं, तो कंफ्यूजन क्या बताइए हमको, गड़ा हुआ लाइन को क्या बोलते थे, अरे गड़ा हुआ, ये गड़ा हुआ गड़ा हुआ वर्टिकल लाइन ग्रुप, ग्रुप वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं ग्रुप, और पड़ा हुआ लाइन को पीरियड, और हॉरिजॉन्टल लाइन को पीरियड, और राइट हैंड साइड में कौन सा ब्लॉक था, इधर इधर था ये पी ब्लॉक, पी ब्लॉक, और लेफ्ट हैंड साइड में और मिडिल साइड में डी ब्लॉक, और बॉटम साइड में ए ब्लॉक, एस ब्लॉक में हाउ मेनी एलिमेंट्स 14, एंड पी ब्लॉक में 36, और डी ब्लॉक में 40, और ए ब्लॉक में 28। अब देखिए हम एस ब्लॉक का एलिमेंट लिखने जा रहे हैं, एस ब्लॉक में दो ग्रुप था आपका, एक था आपका ग्रुप वन और एक था आपका ग्रुप टू, समझे, वो स्टोरी नहीं सिखा रहे ना जो बहुत पहले हम सिखाए थे, हाँ तो डायरेक्टली हम आप आ रहे हैं, क्योंकि मेरे को सिलेबस आपको पढ़ाना भी होगा ना, वो स्टोरी सुनाएंगे, ताजा स्टोरी सुनाएंगे, कल आपको भी पढ़ाना पड़ेगा, गड़बड़ जाएगा। तो ग्रुप वन में रहने वाला जो एलिमेंट है वो आपका है ली ना करो र से फरिया, समझे, चलिए ग्रुप वन में एलिमेंट बोलिए है ली ना करो र से फरिया। अब ये ग्रुप टू में क्या है, हाँ बेटा यहाँ से होगा बेटा मांगे कन्या सुंदर बापू राजी, अब ये ना पढ़े बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी ना, ये पढ़े आप, कोई दिक्कत नहीं, याद रखिएगा ना कोई भी एक ट्रिक याद रखिए ताकि आपको पीवीटी वाले, फिर आपको देखिए दोस्त ग्रुप वन है ग्रुप टू है, तो अब हम लोग ग्रुप टू के बाद ग्रुप थर्टीन आ जाएंगे, ग्रुप थर्टीन सर बीच वाला, तो बीच में आपका डी ब्लॉक है, एस ब्लॉक के बाद बीच में डी ब्लॉक था, उसके बाद क्या था आपका पी ब्लॉक, तो एस ब्लॉक का लिख लिया हम लोग पी ब्लॉक लिखने जा रहे हैं, ये आपका ग्रुप वन ग्रुप टू, और पी ब्लॉक में जाएंगे तो आपको ग्रुप थर्टीन से स्टार्ट होता है,
ग्रुप 13, तो ग्रुप 13 में आने वाला एलिमेंट है हमारा बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। ग्रुप 14 का आप लिखेंगे तो ग्रुप 14 में रहने वाला एलिमेंट है आपका कौन, सी, डी, सुनाऊ, प्रभु। फिर आपका ग्रुप 15 है, ग्रुप 15 में रहने वाला एलिमेंट है आपका नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सर, बिंदास। फिर आपका आता है ग्रुप 16, तो ग्रुप 16 में रहने वाला एलिमेंट है आपका ओ, सचिन, से, तेज, पोलार्ड। फिर आपका है ग्रुप 17, तो ग्रुप 17 में आने वाला एलिमेंट है फिर, कल, बाहर, आई, अंतिम। अपनी मोटी अंती नहीं, ग्रुप 18 है, ठीक है। ग्रुप 18 में आने वाला एलिमेंट है आपका दोस्त, हे, नारायण, अर्जुन, करी, जेरोक्स, रामायण। देखिए जो हम आपको बताते थे सेवन पीढ़ियां, देखिए सर, फर्स्ट पीढ़िया, सेकंड पीढ़िया, थर्ड पीढ़िया, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। तो फर्स्ट पीढ़िया में आपके पास दो एलिमेंट होता है, एक आपका हाइड्रोजन होता है और जो हीलियम यहाँ से होता है, हीलियम इसके ऊपर से होता है। तो फर्स्ट पीढ़िया में एक एलिमेंट और एक एलिमेंट, दो एलिमेंट पाया जाता है, हाइड्रोजन और हीलियम। सेकेंड पीढ़िया में आठ एलिमेंट आपका पाया जाता है, यहाँ से लिथियम, बेरिलियम, टेरा दिखा दिए। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, ये ठीक बोलो सर, किए तो हे, ली, ना, करो, रब, से, फरिया। सुनाना पड़ेगा ठीक है। देखिए यहाँ पे हीलियम आपका यहाँ पे, नियोन आपका सेकेंड पीरियड में, थर्ड पीरियड में आपका आर्गन होता है, फोर्थ पीरियड में क्रिप्टोन होता है, फिफ्थ पीरियड में जेनोन होता है और सिक्स पीरियड में आपका रेडन होता है। सेवन्थ पीरियड में एक और एलिमेंट होता है, सेवन्थ पीरियड जो एलिमेंट होता है ना उसको बोलते हैं सिंथेटिक एलिमेंट। क्या बोलते हैं? सिंथेटिक एलिमेंट, मतलब उसको लैब में तैयार किया गया, एक ऐसा एलिमेंट जिसको लैब में तैयार किया गया और केमिकल की मदद से, उसी को क्या बोलते हैं? सिंथेटिक एलिमेंट। देखिए ये हो गया फर्स्ट पीरियड, तो फर्स्ट पीरियड में दो एलिमेंट होते हैं, एक आपका हाइड्रोजन है, एक आपका हीलियम है। सेकेंड पीरियड में आपके पास होता है एट एलिमेंट, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ। थर्ड पीरियड में होता है टोटल एलिमेंट होता है एट ही। देखिए थर्ड पीरियड आ रहे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ। फोर्थ पीरियड में होता है 18 एलिमेंट और फिफ्थ पीरियड में भी 18 ही होता है। तो फोर्थ पीरियड देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ पे आ रहे, एक, दो, 18 बोले, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, आंसर आठ है, वो है 18 बोलते हैं। तो 10 हुए आपका डी ब्लॉक में, अरे एस के बाद डी ब्लॉक, फिर पी ब्लॉक आता है ना, तो आपका आठ यहाँ दिख रहा है, एस और पी में, एस में दो दिख रहा है, दो एलिमेंट, और पी में दिख रहा है छह, टू, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, और जो डी में आपको कितना बच गया? 10, तो टोटल हो गया 18। फिर इसमें भी होता है 18, तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, यहाँ भी आठ दिखा, तो 10 किसमें है आपका? डी ब्लॉक में। अब यहाँ देखिए इसमें होता है 36, इसमें भी होता है आपका 36। सिक्स पीरियड में 36 एलिमेंट होता है, सेवन पीरियड में 36 होता है। हम बोल रहे हैं एस फोर में टू एलिमेंट होता है, सेकेंड और थर्ड पीरियड में होता है आपका एट और एट एलिमेंट, फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में होता है आपका 18 और 18 एलिमेंट, सिक्स और सेवन पीरियड में होता है आपका 32 और 32 एलिमेंट। अब जोड़ के देखिए, दो दो चार, चार आठ बारह, बारह आठ बीस, बीस अट्ठाईस, बीस आठ अट्ठाईस, अट्ठाईस दो तीस, तीस आठ अड़तीस, अड़तीस का आठ हाथ में बचा तीन, तीन तीन छो, छो तीन नौ, नौ दस, ग्यारह। देखिए 118 एलिमेंट आया ना, तो फर्स्ट पीरियड में टोटल कितने एलिमेंट पाया जाएगा? दो। सेकंड पीरियड में एट, थर्ड पीरियड में एट और फोर्थ पीरियड में, फोर्थ और फिफ्थ में 18 और आपका सिक्स और सेवन्थ में 32 और 32, तो टोटल एलिमेंट कितना हो गया आपका 118। अरे देखिए दोस्त, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना था? 2। नियोन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टोन का 36, जेनोन का 54, रेडोन का 86। तो देखिए नियोन का एटॉमिक नंबर 10 है, अब भरते चले जाइए, 10 को एक घटाइए तो 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3, ठीक है, हाँ 3 होगा, 18 है ना, आप घटा चल कीजिए, 18 के ऐसी से काम 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11,
देखिए क्रिप्टोन का 36 है, घटाइए ब्रोमीन का कितना होगा 35, सेलेनियम का 34, अर्सेनिक का 33, जर्मेनियम का 32, गैलियम का 31, यहाँ पर 30 नहीं होता रे, 20 होता है, बीच में डी ब्लॉक आ गया। कैसे मतलब डी ब्लॉक आ गया सिखाते तरीका, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, जो आपका फोर्थ पीरियड है ना, फोर्थ पीरियड से आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट आना चालू होता है, समझे। अब फोर्थ के बाद आपका क्या फिफ्थ सिक्स, तो सिक्स पीरियड से आपका ए ब्लॉक चालू होता है। हाँ याद करना पड़ेगा कि 20 है, सो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि डी ब्लॉक कौन से पीरियड से चालू होता है आपका फोर्थ पीरियड, और ए ब्लॉक कौन से पीरियड से चालू होता है आपका सिक्स पीरियड। ये दोनों फॉर्मेट एक बोलना पड़ेगा आपको कि फोर्थ पीरियड कहाँ से चालू होता है आपका, सॉरी डी ब्लॉक कहाँ से चालू होता है फोर्थ, और आपका ए ब्लॉक सिक्स पीरियड से। ओके अब देखिए जेनम का चंगम हुआ था आयोडीन का 53, आयोडीन क्या हो गया 53, टेलुरियम का 52, एंटीमनी का 51, टिन का हो गया 50, इंडियम का हो गया 49, और स्ट्रोंशियम का हो गया आपका 38। तो 38 और 49 के बीच जो गैप दिख रहा है ना, उसी में आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है, इसीलिए यहाँ पे 36 एलिमेंट आपका टोटल है। ये रुबिडियम का होता है आपका 37, कितना होता है 37, यहाँ पोटेशियम कितना जाएगा 19। अब देखिए जेनोन का 54 है, रेडोन का 86 है, तो स्टेटिन का हो जाएगा आपका 85, पोलोनियम का 84, और इसका बिस्मथ का 83, लेड का 82, टेलुरियम का 81, और बेरियम का हो जाएगा आपका 56, ठीक है याद रखना पड़ेगा, सीजियम का होगा 55, अब फिर फ्रांसियम का होगा आपका 87 और रेडियम का होगा 88। याद देखिए 17 दो ही एलिमेंट लिखे हैं, दो नहीं है 36 एलिमेंट, टोटल 32 एलिमेंट, टोटल कितना है 32, तो बीच में फिर डी बचता है, डी के बाद फिर आपका पी ब्लॉक में भी एलिमेंट, तो सेल पीरियड में जो भी एलिमेंट है सब सिंथेटिक एलिमेंट होते हैं, मतलब उसको लेब में तैयार किया गया है, बाकी सारा जो एलिमेंट है जनरली लेब में नहीं, बहुत सारा इसको क्या बोलते हैं केमिकल की मदद से तैयार किया गया है। यहाँ पे तो ग्रुप वन में रहने वाले एलिमेंट का ट्रिक क्या था आपका, हे ली ना करो रब से फरियाद, ग्रुप टू में रहने वाले एलिमेंट बेटा मांगे कन्या सुंदर बापो राजे, इसमें क्या था ग्रुप 13 बैंगन आलू गाजर इन थैला, अब ग्रुप 14 आपका कौन सी गीत सुनाओ प्रभो, ग्रुप 15 था आपका नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदा, ग्रुप 16 था ओ सचिन से तेज पोलार, ग्रुप 17 आपका फिर कर बाहर आई आंटी, अब ग्रुप 17 आपका हे नारायण अर्जुन करे जेरोक्स रामायण। तो ग्रुप वन का ट्री बोलिए, हे ली ना करो रब से फरिया, ग्रुप टू का बोलिए बेटा मांगे कन्या सुंदर बापू राजी, ग्रुप 13 बैंगन आलू गाजर ई थैला, ग्रुप 14 कौन सी गीत सुनाऊ प्रभु, ग्रुप 15 नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदा, ग्रुप 16 ओ सचिन से तेज पोलार्ड, ग्रुप 17 फिर कल बाहर आई आंटी, फिर हे नारायण अर्जुन करे जेरोक्स रामायण। अभी बोल दीजिए ग्रुप वन को बोल दी, तो हे ली ना करो रब से फरिया, ग्रुप टू बेटा मांगे कन्या सुंदर बापू राजी, देखिए स्टार मारे और रेडियो क्यों नहीं मिला आपका, फिर बोले ग्रुप 13 बैंगन आलू गाजर इन थैला, ग्रुप 14 कौन सी गीत सुनाऊं प्रभु, ग्रुप 15 नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदा, ग्रुप 16 ओ सचिन से तेज पोला, ग्रुप 17 फिर कल बाहर आई आंटी, ग्रुप 18 हे नारायण अर्जुन करे जेरोक्स रामायण। देखिए एच का नाम क्या आपका हाइड्रोजन, बोलिए हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1, लिथियम एटॉमिक नंबर 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, रुबिडियम का 37, सीजियम का 55, फ्रांसियम का 57,
बेरिलियम का, मैग्नीशियम का, कैल्शियम का, अस्ट्रोंशियम का, बेरियम का, रेडियम का, बोरोन का, एल्युमिनियम का, गैलियम का, इंडियम का, थेलियम का, बोरोन का, एल्युमिनियम का, गैलियम का, इंडियम का, थेलियम का। अब एटॉमिक नंबर हम बोलते हैं, एलिमेंट आप बोलते हैं। एटॉमिक नंबर 5 बोरोन, बोरोन। एटॉमिक नंबर 30 एल्युमिनियम। एटॉमिक नंबर 31 गैलियम। एटॉमिक नंबर 49 इंडियम। एटॉमिक नंबर 81 थेलियम। हाइड्रोजन का 1, लिथियम का 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, रुबिडियम का 37, सीजियम का 55, फ्रांसियम का 87। एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन। एटॉमिक नंबर 3 11 का सोडियम, 19 का 37 रुबिडियम, 55 सीजियम, 87 फ्रांसियम। हाँ, बेरिलियम का 4, मैग्नीशियम का 12, कैल्शियम का 20, अस्ट्रोंशियम का 88, बेरियम का 56, रेडियम का 88, 4, बेरिलियम, बेरिलियम, बेरिलियम 12, मैग्नीशियम 20, 38, अस्ट्रोंशियम 56, बेरियम, बेरियम 88, रेडियम। हाँ, ग्रुप 14 का ट्रिक क्या था? कौन सी गैस सुनाओ पढ़ो। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, सिलिकॉन का 14, जर्मेनियम का 32, टिन का 50, लेड का 82, लेड का 82। अब होती है 6 कार्बन, 14 सिलिकॉन, 32 गैलियम, नहीं जर्मेनियम, बोलिए जर्मेनियम। 50 का टीन, 82 लेड का मतलब लेडी, लेड डेड याद रखिएगा। ग्रुप 15 का ट्रिक क्या है? नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास। तो हाँ, नाइट्रोजन का 7, फास्फोरस का 15 और आर्सेनिक का 33। क्या बोले? 33 आर्सेनिक, आर्सेनिक, आर्सेनिक। एंटीमनी का 51, बिस्मथ का 83। अब बताइए 7, 15, फास्फोरस 33, आर्सेनिक 51, एंटीमनी, एंटीमनी सब मनी नहीं रहे, एंटीमनी, एंटीमनी, एंटी का मनी ज्यादा, एंटी में 83, बिस्मथ 83 का बिस्मथ। अब बताइए ऑक्सीजन का 8, सल्फर का 16, सेलेनियम का 34, टेलुरियम का 58, पोलोनियम का 84। हाँ, तो ट्रिक क्या था? ओ सचिन से तेज पोलार। अब बताइए 8 का ऑक्सीजन, 16 का सल्फर, 34 का सेलेनियम, सेलेनियम सिलिकॉन का ऐसा ही होता है, ऐसी है। 52 का टेलुरियम, टेलुरियम तेल से टेलुरियम। 84 का पोलोनियम, पोलोनियम 84 का पोलोनियम, फंस रहा। 8 का ऑक्सीजन, 16 का सल्फर, 34 का सेलेनियम, सेलेनियम 52 का टेलुरियम, टेलुरियम 84 का पोलोनियम, पोलोनियम। हाँ, ग्रुप 17 का बोलिए, फिर का बार आई अंटी। तो 9 का फ्लोरीन का 9, क्लोरीन का 17, ब्रोमीन का 35, आयोडीन का 53, एस्टेटिन का 85। पता है ना आपको कि ब्रोमीन हमेशा लिक्विड के रूप में पाया जाता है? ब्रोमीन और मर्क्यूरी दोनों लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ब्रोमीन भी लिक्विड, मर्क्यूरी भी आपके लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तब बताइए 9 का फ्लोरीन, 17 का क्लोरीन, 35 का ब्रोमीन, ब्रोमीन 53 का आयोडीन, 85 का एस्टेटिन, एस्टेटिन 85 का एस्टेटिन। बोलिए 9 का फ्लोरीन, 17 का क्लोरीन, 35 का ब्रोमीन, ब्रोमीन 53 का आयोडीन, 85 का एस्टेटिन। देखिए हाँ, हीलियम का 2, नियॉन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टॉन का 36, ज़ेनॉन का 54, रेडॉन का 86,
तो बताइए हीलियम का टू और टेन का नियोन, नियोन है नियोन, हाँ 18 का 36 का क्रिप्टोन, 54 का जेनॉन, 86 का रेडॉन। हाँ वो सब समझ गया था, बोल रही बताइए ग्रुप वन का ट्रिक बोलिए, हे ली ना करो रब से फरियाद। तो बताइए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, लिथियम का एटॉमिक नंबर, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर, रुबिडियम का, सीजियम का, फ्रांसियम का, ग्रुप टू में बेरिलियम का, मैग्नीशियम का, कैल्शियम का, अस्ट्रोंशियम का, बेरियम का, रेडियम का। देखिए जो भी एलिमेंट में अस्तर मारे गया ना वहां पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, एक ऐसे एलिमेंट जिसको तोड़ने पर अल्फा बीटा और गामा रेज रिलीज होता है, वही आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाता है, उसी को बोलते हैं उभयधर्मी पदार्थ, रेडियो एक्टिव सबस्टांस उभयधर्मी पदार्थ। आप लोग पढ़ेंगे कभी ग्रुप 13 का, ग्रुप 13 एलिमेंट का ट्रिक क्या है, बैंगन आलू गाजर हेला। तो बताइए बोरोन का एटॉमिक नंबर, एल्यूमिनियम का, गैलियम का, इंडियम का, थेलियम का 81। ग्रुप 59 एलिमेंट का ट्रिक बोलिए, कौन सी गीत सुनाऊं प्रभु, कार्बन का, सिलिकॉन का, जर्मेनियम का, टीन का, फिफ्टी, लेड का 82। ग्रुप 50 में रहने वाले एलिमेंट का ट्रिक बोलिए, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास। तो 7 किसका है, नाइट्रोजन, 50 फॉस्फोरस, 33 आर्सेनिक, आर्सेनिक देखिए आर्सेनिक का स्पेलिंग जो होता है ए आर ए सी एन आई सी आर्सेनिक। तो 33 किसका है, आर्सेनिक। 51 एंटीमनी, देखिए यहाँ पे एंटी है और यहाँ पे मनी है, मनी एस बी ए एंटी मनी, ठीक है मनी का ये आप मत बदल दीजिएगा, मैं गलत हो जाएगा आपका, सही मनी का MONEY वाई होता है सर, ये होता है इसका समझे, एंटी मनी है। तो 51 को क्या पढ़िएगा, एंटी मनी, 83 को बिस्मत। अब देखिए ग्रुप 60 में रहने वाले एलिमेंट का ट्री बोलिए, ओ सचिन से तेज पोलार। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, सल्फर का 16, सेलेनियम का 34, टेलुरियम का 52, पोलोनियम का 84। ग्रुप 17 में रहने वाले एलिमेंट का ट्रिक क्या है, फिर कल बाहर आई आंटी। तो 9 का फ्लोरीन, फ्लोरीन 17 का 35 का ब्रोमीन, ब्रोमीन 53 का आयोडीन और 85 का एस्टेटिन है, एस्टेटिन। देखिए ये हो गया एस्टेटिन का स्पेलिंग, एस्टेटिन समझे। तो 85 किसका है, एस्टेटिन। एस्टेटिन कैसा एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, एक ऐसा एलिमेंट जिसको तोड़ने पर क्या रिलीज होता हो, अल्फा बीटा गामा रे, वही आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाता है। अब ग्रुप 17 खत्म हो गया, अब आ रहा हूं ग्रुप 18। तो ग्रुप 18 में आने वाला एलिमेंट कौन सा है, हे नारायण अर्जुन करे जेरोक्स रमाय। तो एटॉमिक नंबर 2 किसका है, हीलियम, 10 नियॉन और 18 आर्गन, 36 क्रिप्टॉन और 54 जेनॉन, 86 रेडॉन। रेडॉन कैसे एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, एक ऐसे एलिमेंट जिसको तोड़ने पर अल्फा बीटा गामा रे रिलीज होता है, उसे क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब बोलना चालू कीजिएगा, हम बोलते थे एक भी एक हम बोलते थे कि अरे क्या कीजिएगा, आप मेहनत करते हैं, हम छोड़ छोड़ दे रहे हैं, हम तो स्ट्रगल कर रहे हैं। देखिए आपका एक पीरियोडिक टेबल था कुछ इस तरह के, तो हम बोलते हैं कि मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड है मेरे सारे, ये मेरा राइट हैंड साइड था, कौन सा ब्लॉक था, पी ब्लॉक, लेफ्ट हैंड साइड में एस ब्लॉक और मिडिल में डी ब्लॉक और बॉटम में ए ब्लॉक। एस ब्लॉक में हाउ मेनी एलिमेंट्स, 40, पी ब्लॉक में 36 और डी ब्लॉक में 40 और ए ब्लॉक में 28 एलिमेंट। तो एस ब्लॉक में जो आपका ग्रुप पाया जाता है वो दो ग्रुप, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, और डी ब्लॉक में जो आपका एलिमेंट पाया जाता है ग्रुप 3 से चालू होता था और 3 से 12 तक जाता था आपका, और ग्रुप आपका आर पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में आपका ग्रुप 13 से चालू होता था और ग्रुप 18 में खत्म होता था। तो अब बताइए एस ब्लॉक के लिए कौन सा सब ग्रुप लेते थे, ए की बी, ए, पी ब्लॉक के लिए ए, अरे
और डी ब्लॉक के लिए बी और ए ब्लॉक के लिए ए पे 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 आपका लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल क्या है नाम आपका लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के ऊपर में देखिएगा तो इसी का एक और नाम लिखा हुआ है, इसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या लिखा हुआ ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखिए इस पीरियोडिक टेबल को देने वाला मामू का नाम है मोसले, एमओ मोसले, और मोसले का पूरा नाम है हेनरी मोसले, हेनरी मोसले। और देखिए लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल देने वाले चार साइंटिस्ट है, पहला का नाम है नील्स बोहर, बोहर देखिए तो नील्स बोहर, अरे बोहर एटॉमिक मॉडल वही सा है नील्स बोहर। एक और साइंटिस्ट का नाम है आपका ब्यूरी, एक का नाम है आपका रेंग, एक का नाम है आपका वेर्नर। देखिए लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को ही हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, समझे, मतलब लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को बोल सकते हैं कि दूसरा नाम क्या है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये सभी जो टेबल है वो एटॉमिक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ता क्रम की घटता क्रम, घटता क्रम, अरे बढ़ता क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। देख क्या बोलता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो आपका वो परमाणु संख्या के बढ़ता हुआ क्रम पर बेस्ड है। आप एक एटॉमिक मास पढ़े थे याद है आपको, अरे एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास पर जो पीरियोडिक टेबल है ना वो आप 9th क्लास में पढ़े, मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट्स, न्यूलैंड का अष्टक का सिद्धांत आप पढ़े होंगे, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट्स, फिर पढ़ेंगे डोबरेनर ट्रायड रूल, डोबरेनर का त्रिक का नियम, हाँ तो 10th भाई 9th 10th में होगा आपका, तो वो समय जो पीरियोडिक टेबल आप पढ़े तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका एटॉमिक मास पर बेस्ड था, समझे, और जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है दोनों एक ही नाम है, समझे, दोनों है वो किस पे बेस्ड है आपका एटॉमिक नंबर, दोनों लेकिन क्या, अरे तो पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉन्च हुआ था समझे, फिर उसमें से और कुछ बहुत कुछ सुधार किया गया तो उसी का नाम लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल दे दिया गया, समझे बात, हाँ मतलब बस ही हो गया, अब बोलना चल कीजिए, इतने लोग मिलके पोस्ट किए थे, हाँ रे दे यहाँ पे, अब बताइए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है, हेनरी मोसले, कब दिए थे 1919 में, कब दिए थे 1919 में। लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल देने वाले चार, हारे 1919 चार पीरियोडिक, अब बीच में बोलते लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल देने वाले चार साइंटिस्ट नाम, पहला बोहर, ब्यूरी, रेंग और वेर्नर। एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर बेस्ड था कि डिक्रीजिंग ऑर्डर पर, इंक्रीजिंग ऑर्डर पर, ये ऑब्जेक्ट में बहुत पूछता है कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर बेस्ड है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर पर, इंक्रीजिंग ऑर्डर पर, ये एटॉमिक मास पर बेस्ड नहीं है। तो हाँ बोलते थे कि आपका पीरियोडिक टेबल गढ़ा हुआ लाइन को क्या बोलते थे ग्रुप, अब वर्टिकल लाइन को ग्रुप, अब पड़ा हुआ लाइन को पीरियड, हॉरिजॉन्टल लाइन को पीरियड, तो हाउ मेनी ग्रुप्स आर ऑफ 10 इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, टोटल 18 एंड पीरियड्स 7, पीरियड आपको 7 तरह का, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेकंड सिक्स्थ एंड सेवंथ। फर्स्ट और सेकंड पीरियड में, फर्स्ट पीरियड में आपके पास 2 एलिमेंट, सेकंड और थर्ड में 8 एलिमेंट, और हाँ सेकंड, हाँ आइए मोस्टर कम, फर्स्ट पीरियड में आपके पास 2 एलिमेंट था और सेकंड और थर्ड पीरियड में कितना एलिमेंट था 8 एलिमेंट, और फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में 18 18, और सिक्स्थ और सेवंथ पीरियड में 32 और 32 एलिमेंट्स। फिर हम आते थे हाँ वर्टिकल लाइन को क्या बोलते थे आप ग्रुप, अब ग्रुप का हाउ मेनी ग्रुप्स, टोटल 18 और पीरियड 7, तो फर्स्ट पीरियड में हाउ मेनी एलिमेंट्स 2, सेकंड एंड थर्ड में 8, फोर्थ एंड फिफ्थ में 18 और सिक्स्थ और सेवंथ में 32। अरे दिमाग चलाना पड़ेगा, नहीं चलाएगा तो फिर गड़बड़ जाएगा। देखिए आप एस ब्लॉक में दो ग्रुप था, एक था आपका ग्रुप वन, एक था आपका ग्रुप टू, तो ग्रुप वन में रहने वाला एलिमेंट कौन कौन सा था, ठीक बोलिए उसका, हे ली ना करो रब से फरिया। अब ग्रुप टू में रहने वाला एलिमेंट था आपका बेटा मांगे कड़िया सुंदर बापू राजी। फिर आपका ग्रुप 13 था बैंगन आलू गाजर थैला। फिर आपका ग्रुप 18 था, सॉरी ग्रुप 14
ग्रुप 14 आपका कौन सी नहीं नहीं कौन सी गीत सुनाओ प्रभु। आपका ग्रुप 15 था नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदा हम जान रहे आपको याद है। ग्रुप 16 आपका था ओ सचिन से तेज पोलार्ड। फिर आपका था ग्रुप 17 फिर कल बाहर आई आंटी। ग्रुप 18 था आपका हे नारायण अर्जुन करे जेरोक्स राय जहाँ पर हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 नियो ने कितना था 10 आर्गन का 18 क्रिप्टोन का 36 और जेनोन का 54 याद है आपको। हाँ लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना था 3 सोडियम का 11 और पोटेशियम का पोटेशियम का 90 अब बताइए सल्फर का 16 और क्लोरीन का 17 आयोडीन का 53 और मर्क्यूरी का मर्क्यूरी का 80 आया था पढ़ाए थे हम आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मर्क्यूरी का 80 होता है। और हाँ ये तो किया फिर आर्सेनिक का 33 आर्सेनिक कितना था आपका 33 फिर आपका था पोटेशियम का 90 और अस्ट्रोंसियम का 38 अस्ट्रोंसियम क्या था आपका 38 फिर था आपका ब्रोमीन का 35 ब्रोमीन का क्या था 35 रखिए